सो वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5.2 में हम लोग यूज करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जिसमें एक फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से है, और साथ ही साथ इस फॉर्मूले को मैं आपको याद भी कराना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, और आप एंड तक अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। सो देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मूला अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आया कहां से है? तो चलो मान लेते हैं हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये मान लो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीक्वेंस हम लोगों को दिया हुआ है। इस A1 को मैं कुछ समय के लिए चलो मान लेता हूं A के बराबर, यानी जो पहला टर्म है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, फर्स्ट जो टर्म है उसको मैं मान लेता हूं A, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा CD लिख रहा हूं, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं बच्चों, वो है मान लो D। सो फर्स्ट टर्म जो है वो A है और कॉमन डिफरेंस को मैं D मान रहा हूं। अब सोचिए बच्चों, मैं अगर दूसरा टर्म निकालूंगा, सेकेंड टर्म अगर मैं फाइंड करूं, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो इससे पहले जो टर्म आ रहा है उस टर्म में D को क्या कर दो, जोड़ दो, यानी मैं A1 में क्या करूंगा, D को ऐड कर दूंगा। और A1 किसके बराबर है बच्चों? A के बराबर है। तो मैं दूसरे टर्म निकालने के लिए A में D को जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को तीसरा टर्म निकालना है तो मैं इसमें D को जोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा A प्लस D प्लस D, और ये दोनों को मैं जोड़ दिया अगर मान लो, तो ये हो जाएगा a प्लस टू डी, यानी जो तीसरा टर्म है बच्चों वो a प्लस टू डी के बराबर है। वहीं पर अगर मेरे को a फोर निकालना है तो a फोर में मैं a फोर को निकालने के लिए मैं a थ्री में d जोड़ दूंगा, और a थ्री क्या था, a प्लस टू डी था, और इस a प्लस टू डी में मैं d को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो ये फाइनली ये बन जाएगा a प्लस थ्री डी। So, पहला जो टर्म था वो a आया है, दूसरा जो टर्म था वो a प्लस डी आया है, और तीसरा जो टर्म था वो a प्लस टू डी आया। देखिए ना, ये कौन सा टर्म था, पहला टर्म था फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म था सेकेंड टर्म था, ये कौन सा टर्म था थर्ड टर्म था, ये कौन सा टर्म था फोर्थ टर्म था, ठीक है। जब हम लोग फोर्थ टर्म निकाले हैं बच्चों, तो देखो यहां पर 3d दिखाई दे रहा है, थर्ड टर्म जब हम लोग निकाले तो यहां पर देखो 2 दिखाई दे रहा है, यानी एक कम, फोर्थ टर्म निकाले तो 3 दिखाई दे, यानी कि 4 में एक कम कर दिए। सेकेंड टर्म जब हम लोग निकाल रहे हैं तो देखो यहां पर 1d आया है, कुछ नहीं मतलब 1d, सो 2 में हम लोग क्या माइनस कर दिए, 1 माइनस कर दिए। और यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ये a प्लस 0d है, यानी कि 1 में 1 माइनस कर दिए। तो अगर मान लो हमको आगे बढ़ते बढ़ते nth टर्म को निकालने के लिए बोला, nth टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो a प्लस, a प्लस तो सब में है, देखिए यहां पर भी a प्लस है, 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 ये a प्लस लिखा हुआ है। सो a प्लस nth टर्म अगर हम लोग निकालना है, तो देखिए फोर्थ टर्म निकाल ले तो 4 में 1 माइनस किए, थर्ड टर्म निकाल ले तो 3 में 1 माइनस किए, तो nth टर्म निकालना है तो हम लोग n में क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो n माइनस 1 d, ये हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि अगर मान लो हमको a7 निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस 6d, अगर a8 निकालना है तो क्या निकालेंगे, a प्लस 7d, तो अगर हम लोग को an निकालना है तो अब इस n में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। और यही फॉर्मूले को हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 में यूज करने वाले हैं। सो फॉर्मूला आप लोगों को क्लियरली याद हो गया होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों, ये जो एन है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होने वाला है, ठीक है, ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होने वाला है। इसलिए क्योंकि देखो हम लोग पहला टर्म निकालेंगे या दूसरा टर्म निकालेंगे या तीसरा टर्म निकालेंगे या चौथा टर्म निकालेंगे, हम लोग कभी भी हाफ टर्म नहीं निकालेंगे, यानी कोई हमको ये नहीं बोलेगा फाइंड 1/2 टर्म, फाइंड 1/3 टर्म नहीं निकालेंगे। वो डायलॉग आपने सुना होगा शोले पिक्चर का, गब्बर सिंह वाला, कितने आदमी थे,
अब कितने आदमी थे का सवाल, या तो सामने वाला दो आदमी थे बोल सकता है, या तीन आदमी थे बोल सकता है, या चार आदमी थे बोल सकता है। ये नहीं बोल सकता कि 1.2 आदमी थे, 1.3 आदमी थे, 4.2 आदमी थे, या 1/2 आदमी थे, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी चीज को गिनते हैं तो उसके लिए हम लोग नेचुरल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो एन का वैल्यू है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियरली हो गया होगा, और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।